what went before. Sorry? You know, because I think when you're with somebody you really love, you want time to slow down. You want to spend, and every moment, every second matters. So it really is a one way, I guess, metaphorically of showing you that, that everything is there to be remembered as a memory, every single second. And now I'll check with Bijoy and tell you whether that's true or not. सर इस फिल्म में जो कुछ है ना सब पर्पजली किया है, सब पर्पजफुली, उसमें कोई विदाउट पर्पज कुछ नहीं है. गाना भी हमने पर्पज के साथ ही लिखा है. देखिए मैंने ऐसा हुआ कि शांतनु आया घर में और हम लोग कंपोज कर रहे थे मेरी स्टडी में, तो वो गाना बनाता गया और मैं लिखता गया. मैंने ये कभी नहीं सोचा कि यही फाइनल लिरिक्स रहेंगे. मैं तो ऐसे भर रहा था. और ये गाने में अगर आप देखें तो बहुत अनयूजुअल है कि पहला अंतरा और सेम दूसरा अंतरा जो लड़का और लड़की गाते हैं सेम है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये फाइनल गाना हो जाएगा. लेकिन ये इतना अच्छा बन गया कि बस फाइनल हो गया. ये एक्चुअली इनके पिताजी के साथ भी हुआ था. इफ़ यू रिमेंबर, एक गाना ने धुन सुनाई थी जावेद साहब को कि ऐसी धुन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जावेद साहब ने कहा यार ये इतना अच्छा है कि यही बनेगा. तो ये हमारा 1 2 3 है. ये बिल्कुल वही है, ये वही है. वो उसमें डस्टिन हॉफमैन और एड नॉर्टन उस वक्त हमारे साथ काम कर रहे थे और ये उसी फिल्म का हिंदी वर्जन. I don't want to tell you too much about it because it's a mystery thriller ultimately. About the look. About the look. Abhi the look I'll have to put it through to my grandmother and my mother. Acha sadly. Yeah, it's a beauty you can say. Yeah, but that is a part. Yeah. That is a part. She's a sort of gentle, sort of very loving. It's a relationship which is sort of steeped in love and like what I think Farhan has said a lot, and I don't want to say more because it is a particular. Yeah. Jo competition aapke aur Amit ji ke beech mein sir competition mein unke saath aap kya challenge each other when you're working in the scene? And honestly, as an actor, I'm still very young, you know, and I've grown up seeing his films, seeing his work. I'm a huge admirer of him. A, to work with him was fantastic, bahut khushi ki baat thi. And then, of course, to be like stimulated by someone, you know, when you're on set, by someone who's so good at what he does. I mean, I think it really helped me up my performance as well. So that's all. सर ये मैंने प्लान ही इसलिए किया था ताकि मैं आपको 3 दिन ना रोकूं. ये प्लान ही ऐसे हुआ क्योंकि अदरवाइज यू डोंट मीट मी, यू डोंट आंसर माय कॉल्स. क्या था फरहान सर, डोंट यू थिंक लाइक द सॉन्ग, बट डोंट यू थिंक द लिरिक्स आर प्रेम तेरे तेरे बिन आजकल बहुत कॉमन हो गया. यार मैंने लिखे, यार कमाल कर रहा है तू, यार मुंह पर बोल रहा है ऐसा कैसा भैया. ये लिरिक्स जब लिखे थे तो फाइनल नहीं थे, मैं बोल चुका हूँ, पर जिन लोगों ने सुना उनको इतने अच्छे लगे कि ये रहने दिए मैंने. तो आप ऐसा लेके चलिए कि लिरिक राइटर इसका बिल्कुल बेकार लिरिक राइटर है लेकिन उसको अच्छा लगा और लोगों को अच्छा लगा तो हमने रख दिया. ऐसी बात ये, the fact is that when you talk about love, you're going to talk about romance, you're going to talk about finding, you're going to talk about longing for each other. तो उसमें there are only that many words in all honesty that also can be used. तो context में when they come, when they fall in correctly, I think that's more important. अगर आप सिर्फ वर्ड्स को पकड़ के चलेंगे तो फिर प्यार कितना यूज हुआ है, आई लव यू कितना यूज हुआ है, यू नो मोहब्बत कितना यूज हुआ है, इश्क कितना यूज हुआ है, तो देन व्हाट डू यू यूज. बोलना तो पड़ेगा, आपको दिल की बात तो बतानी पड़ेगी. तो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक द कॉन्टेक्स्ट इज साल का पहला ही वीक रह गया था, लाइक पीपल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द न्यू ईयर. आई थिंक दिस इज द थर्ड रिलीज होगी. देखिए हमने इस पिक्चर के पोस्टर पे लिख दिया है दिस न्यू ईयर मेक योर बेस्ट मूव, मगर उसका हम बोल नहीं सकते, हम थोड़े हम्बल हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि दिस इज मेक सी योर बेस्ट मूवी. अब बोलना नहीं चाहिए हमको खुद ही, पर हम सीधा बोल रहे हैं कि आप आके देख लीजिए. तो
आप क्या कैसा फील करते हैं, मतलब डू यू फील स्ट्रांग कॉन्फिडेंट कि हां मतलब बहुत अच्छे कैरेक्टर जोड़ के तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन गया। देखिए देखिए बच्चन साहब हो या फरहान के साथ मैंने पहली बार काम किया, या आमिर के साथ हो या जिसके अनिल कपूर के साथ, मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि वो कैरेक्टर किरदार जो है वो फिल्म में बिल्कुल एकदम जम जाए। और इस फिल्म में जो मेरे लिए सबसे बड़ी सरप्राइज़ है कि मैंने जब फिल्म देखी, मैंने मुझे बोला गया कि जावेद अख्तर के बेटे हैं फरहान साहब, इनका पहला एक्शन मूवी है, तो मुझे यकीन नहीं आया फरहान के इनका पहला एक्शन मूवी, लेकिन इतना अच्छा इन्होंने एक्शन किया है, ऐसे गन लेके चलाते हैं कि सारी ज़िंदगी गन चलाई है। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा ज़रूरी कि हर कलाकार, चाहे अमिताभ बच्चन हो, फरहान अख्तर हो, अदिति हो, हर कलाकार उसको बिल्कुल, और निर्देशक इसके बिजॉय में बिजॉय ही बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही लोग फिल्म को बनाए। You mean with Aditi? How come? अकेले में romance? There's another word for that. Sorry. yeah, I don't think I can tell you much about this. But yeah, Ruhana is established as a dancer in the film. She's a dancer, and since I've been dancing from whenever I can remember, it's been incorporated into it. See, when I was casting the film, I saw her test dancing, and I was looking for a dance. It took me 1 second to say Aditi Rao hai great. So she's done a great job, I think. Well, I hope so. I had a wonderful time doing action. I've directed it a lot. Matlab Lakshmi direct kiya, Dawn series mein maine direct kiya. But it's a different experience when you're putting it together, and different when you're doing it. And for me, it was also great just to add to it, because jo iske pehle jo filmein thi, Rock On thi, ya phir Zindagi Na Milegi Dobara thi, Kartik Calling Kartik thi, usme hamesha mujhe bahut pitai hui hai. Arjun slapped me, Hrithik slapped me. राम कपूर असॉल्ट, यू नो, तो मतलब इतनी भड़ास थी मेरे अंदर कि मौका मिला कि मैं लोगों को पीटू, गोली चलाऊं, उन पे लात मारूं, आई वाज सो एक्साइटेड, इट वाज टू मच। सो नो वंडर यू डिड सो वेल। वो अंदर सेपरेट करेंगे। So are we done? Shall we? Is everything done here? A quarter of our life is like being spent in Mango. Oh, yeah. Wonderful. Yeah, I was just thinking that probably if you have a scene, you can make some better arrangement, like some see how the lights are kept, probably easy for the cameraman, so that we can stay here for 5 hours, 6 hours, like very easy. So next time you try and organize it differently. No, for the screening, if you are not here, like the screenings are happening from the studio or something, and I mean, Vinji is very rich, so probably... Yeah, pankha lagwa de. क्या क्या बोलिए? अच्छा बिंदु जी, आई एम मेकिंग ए सिनेमा हॉल इन बांद्रा, इट बी रेडी वेरी सून। तो यहाँ पर फैन लगा देते हैं। एक पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि जब ये जगह बनी थी, इस ऑफिस के लिए इट वाज ओनली मेड फॉर पीपल टू गेट डाउन एंड वॉक इट। सो नाउ दैट दिस इज सीमिंग टू इमर्ज एट सम स्पॉट व्हेन मेनी पीपल आर गोइंग टू बी, तो हम कोई कुछ इसका करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।